प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय प्रदीप यादव जी के पहल में नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल के सेवा के और भी गांव तक के लोग के सड़क विस्तार हो, वहां के लोग के सहज और सरल हो, वही से या दू गो एम्बुलेंस के व्यवस्था भइल बा। स्थानांतरण के बाद में इंडियन एम्बेसी के तरफ से ये नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल के उपलब्ध करावे के व्यवस्था वहां के मिले वाली। यही अवसर पर ये अस्पताल के विकास के बारे में एम्बुलेंस दिया उनका पहल में, ऐसे जो जनता के मिले वाला सेवा हो आवे वाला दिन में भी जो हमनी के नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल के तीन जिला के उपचार के केंद्र बनावे खातिर उनकर जो पहल हुई प्रयास हुई उस सब बारे में दू शब्द रख देवे खातिर यहाँ के क्षेत्र के सांसद युवा क्रांतिकारी नेता श्री प्रदीप यादव जी के हम दू शब्द रख देवे के आग्रह नारायणी अस्पताल के महोदय पार्टी के साथी लोग पूर्व मंत्री गगन जी पत्रकार सब लोग मैं जय मरेश। सबसे पहले तो नारायणी अस्पताल जहाँ हमनी के जन्म बनी सर और ये अस्पताल में हमनी के मृत्यु होके के बाद निश्चित रूप से ये अस्पताल के देखे वाला के देश के राज्य सत्ता शुरू से ही विभेद के तरीका से नजर से देखला। हमारा यार बात कि ई अस्पताल वीर अस्पताल के संगे ही अस्पताल के जन्म भइल बा, ओकरा बावजूद भी ई अस्पताल के अवस्था एकदम दयनीय बा। ई अस्पताल के अवस्था के देखला के बाद में अपना हमनी आत्मा भी रुएला। जब भी हॉस्पिटल में आयम अस्पताल में आयम तो बेड के भी अवस्था देखेम तो मरीज के संख्या ज्यादा रही लेकिन बेड के संख्या कम रहे, लेकिन राज्य द्वारा हमेशा एक उपेक्षित करके रखले बा। लगई बगल में हथौड़ा के अस्पताल देखे तो उप क्षेत्रीय से क्षेत्रीय हो गए, उनमें पेशेंट ना जाला, लेकिन नारायणी अस्पताल आज के आज भी उप क्षेत्रीय बा, क्षेत्रीय तक ना हुई। ऐसे हमारे पूर्ण विश्वास बा और पूर्ण हमें पहल रही यहाँ क्षेत्र के सांसद के नाता है, पार्टी के जिला का अध्यक्ष के नाते, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय भी हमनी के संगे अस्पताल के उदंती खतरा, ई अस्पताल के शिक्षण अस्पताल बनावे खतरा पूर्ण रूप से हम पहल रहे और ई अस्पताल के अभी के बुरा अवस्था बाद तत्काल ई अस्पताल खतरा कितना के संख्या बेड थपल जाओ 251 के संख्या में बेड थपला से हुई की 700 बेड के रूप में परिणत करे पड़ी। एक पूर्ण रूप से हम यहाँ के सब दलिए बैठक करके यहाँ के संपूर्ण सांसद लोग, प्रदेश सांसद लोग, विभिन्न राजनीतिक दल लोग से सलाह करके और ये अस्पताल के उन्नति कतरा हम स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री लगात के लोग से हम एलिगेशन लेके जाए और ये अस्पताल के उन्नति कतरा पहल करें। हम इतना आप लोगों के सामने उद्घोष करके चाहते हैं और ये अस्पताल के भीतर में अभी हमनी के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हमनी के पहल में एगो एम्बुलेंस हस्तांतरण कर मिशु जी के हमनी के हस्तांतरण करनी है सन ताकि एम्बुलेंस से हमनी के यहाँ के बीमारी खतरा सहयोग पूरा कह के आशा रखले बानी। इतने कहता बोल दू सब भेड़ बानी। धन्यवाद, नमस्ते, जय बनी।